हमारे सामने खड़ी है ये प्लट 350 ES। आप लोग देख सकते हैं जेट ब्लैक हमारे सामने खड़ी है बाइक। आज आप लोगों को इस वाली बाइक के बारे में सारी डिटेल देने वाला हूँ, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, फाइनेंस रिलेटेड EMIs, डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होंगे अगर हम इस बाइक को लोन कर पाए, सारी डिटेल आप लोगों को इस वाली वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बाइक के मॉडल के बारे में। ये है गाइज रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 ES, बुलेट इलेक्ट्रा भी जिसे हम कहते हैं, ESEM जिसे कहते हैं। ये सेल्फ स्टार्ट वाला मॉडल है, इससे एक नीचे वाला मॉडल आता है वो आता है बुलेट 350 X। बाइक जो तीन कलर में अवेलेबल होती है, पूरा कलर सेम रहता है बाइक का जो आप लोगों को दिख रही है, फर्क होता है सिर्फ टैंक का। ये आप लोग टैंक दिख पा रहे हैं, ये है जेट ब्लैक वाला मॉडल। ये हमारे पीछे खड़ा ये ब्लू, इसका कलर का नाम है ब्लू, और एक आता है इसमें रेड, उसका भी सिर्फ टैंक चेंज होता है, बाकी पूरी बाइक जो है वो सेम रहती है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स बताने बाइक के बारे में जल्दी से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके टायर साइज़ के बारे में। हमें इसमें 90/90 R19 का फ्रंट बैक दोनों ही हमें टायर देखने को मिल जाएंगे, दोनों में ही हमें ट्यूब वाले टायर देखने को मिलेंगे और दोनों में हमें ब्लैक कलर के स्पोक रिम्स देखने को मिलेंगे। बात करें इसके डिस्क ब्रेक के बारे में, तो इसमें हमें फ्रंट में ओनली डिस्क देखने को मिलेगी और सिंगल चैनल ABS के साथ ये वाली बाइक हमें आती है। रियर में हमें ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। थोड़ा सा और ऊपर चलते इसके सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, रियर में हमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इसके हेडलाइट के बारे में, हेडलाइट में हमें पूरे में हमें राउंड आप देख पाए, क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलेगी। और बात करते हैं इसके बल्ब के बारे में, तो इसमें हमें हैलोजन बल्ब मिलेगा, चाहे वो इंडिकेटर्स में हो चाहे वो टेल लाइट में हो, पूरी बाइक में हमें हैलोजन बल्ब मिलेंगे। इवन पार्किंग तक में हमें जो है हैलोजन बल्ब देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इसके साइड में इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स हमें इसमें ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे, क्रोम हमें इसमें नहीं मिलेगा। और ऊपर बात करते हैं तो ऊपर हमें इसमें ऑरेंज कलर का कप देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके टैंक के बारे में, टैंक हमें इसमें 13 लीटर का टैंक मिलेगा, फ्यूल टैंक, जिसमें हमें रॉयल इनफील्ड की जो 3D में एम्बर्ड हमें बैजिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी जो पूरा टैंक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और पूरा प्लेन ब्लैक कलर का टैंक मिलने वाला है। इसमें हमें थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसके इंजन पे आ जाते हैं। इंजन हमें पूरा मैट ब्लैक, तीनों मॉडल्स में तीनों कलर आते हैं, इसके तीनों कलर में हमें पूरा का पूरा मैट ब्लैक इंजन देखने को मिलेगा। और इंजन की स्पेसिफिकेशंस मैं आप लोगों को बताऊं तो ये 346 cc का हमें इंजन देखने को मिलेगा, जो प्रोड्यूस करता है 19.36 PS की पावर और 28 Nm ऑफ टॉर्क। अब बात करते हैं इसके बैटरी बॉक्स के बारे में, बैटरी बॉक्स हमें तीनों बाइक में ही ब्लैक कलर का मिलने वाला। और इसके साइड में देखेंगे अगर हम टूल बॉक्स में हमें बुलेट 350 का स्टिकर देखने को मिलेगा। ये कोई 3D में नहीं लिखा हुआ है जैसे कि रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ है, ये जो है हमें स्टिकर में देखने को मिलेगा। और बात करें इसमें गियर्स के, इसमें हमें 5 गियर्स मिलेंगे हमें। और सीट के बारे में बात करते हैं, सीट आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी सिंगल सीट मिलने वाली है हमें इसमें। और जो जैसी कंफर्ट की बात करी जाए तो थोड़ी सी हार्ड है सीट, लेकिन रॉयल इनफील्ड के जो सस्पेंशन होते हैं वो अच्छे होते हैं और हैवी बाइक होती है तो इसमें सीट्स का इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बात करते हैं उसके हैंडल के बारे में, हैंडल में हमें क्लच देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे हमें पास स्विच देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे हमें हाई बीम लो बीम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और साइड में हमें जो है इंडिकेटर्स का और नीचे हमें एक सिंगल हॉर्न का जो है हमें बटन देखने को जो है वो मिल जाएगा। उसके साइड में आ जाते हैं तो साइड में हमें किल स्विच और उसके नीचे हमें सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टार्ट बाइक है तो ये ES वाला मॉडल है तो इसमें हमें सेल्फ स्टार्ट जो है देखने को मिलेगा। रियर टायर की जो प्रोफाइल है वो हमने आप लोगों को दे दी है, रियर का जो टायर मिलने वाला है आप लोगों को मैंने बता दिया है, 90/90 R19 का टायर मिलेगा। पीछे देख लेते हैं तो हमें पीछे जो है रॉयल इनफील्ड की यहाँ पे आप लोगों को स्टिकर देखने को मिल जाएगा। अगर हम पीछे से इसकी लुक चेकआउट करें तो कुछ ऐसी सी आती है, आप लोग देख सकते हैं टायर, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पतला हमें टायर इसमें मिलेगा। और लाइट की बात करी जाए तो टेल लाइट हमें इसमें जो है, लाइट की बात करी जाए तो हमें इसमें जो है जैसे रॉयल इनफील्ड ट्रेडिशनल लाइट आती थी पहले से ही, जो इलेक्ट्रा में या स्टैंडर्ड में जो चली आ रही है वही वाली लाइट हमें इसमें देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसके साइलेंसर के बारे में, पूरा ब्रांड पाइप से आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा हमें क्रोम में साइलेंसर मिलने वाला है इसमें। जैसे कि इंजन इसका ब्लैक है, हमें साइलेंसर जो है पूरा ब्लैक नहीं मिलेगा। ये आप लोग देख पा रहे हैं ये कैटलेटिक कन्वर्टर है, ये BS6 मॉडल है, इसमें हमें जो पॉल्यूशन कम करने के लिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ये वाला दिया गया है कैटलेटिक कन्वर्टर सारी रॉयल इनफील्ड की बाइकों में। साइड से लुक आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ये हमारा साइड वाला लुक इसका।
अब बात करते हैं इसके साइड मिरर्स के बारे में। साइड मिरर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हमें बुलेट 350 में मिलता है जिसे हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं, सेम ऐसा वाला हमें साइड मिरर मिलेगा। साइड में जाके जो लगता है ये बाइक में लगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे तो। अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। गाइज ये वाली बाइक जो कंपनी क्लेम करती है 40 to 45, बट यूज़र रिव्यूज़ के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं तो 30 to 35 आप लोगों को ईजिली माइलेज प्रोवाइड कर देगी बाइक। अगर मैं इस बाइक की एक्चुअल रूम की डेली की बात करूं, क्योंकि 1 जुलाई 2021 से जो रॉयल एनफील्ड के सारे प्राइसेस थे वो इंक्रीज़ हो गए हैं, तो इसका जो एक्चुअल रूम प्राइस अपने डेली में अब पड़ेगा 1,60,493 रुपये हमें एक्चुअल रूम प्राइस पड़ेगा। ऑन रोड प्राइसेस में शोरूम के नॉर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। सोरी ऑटोमोबाइल पीरे गड्डी का आप लोगों को नंबर देखने को मिलेगा, आप उस पर पता कर सकते हैं कॉल करके कि आप लोगों को जो बाइक के ऑन रोड प्राइस है वो डेली में क्या पड़ने वाला है। अब मैं आप लोगों को सुनाता हूँ इसकी साउंड, तो गाइस साउंड आप एक बार सुन लो इस बाइक की, फिर बात करते हैं इसका फाइनेंस के बारे में। ये आप लोगों को सुन सकते हैं बुलेट 350 ES की, स्टार्ट करके मैंने आप लोगों को दिखा दी है। इंजन से कोई साउंड नहीं है किसी भी तरीके की, थंप आप लोग फील कर लो। वाइब्रेशन आप लोगों को मिलने वाली है, साउंड आप लोगों ने सुन लिया। गाइस थंप इस बाइक की ओके ओके है, इससे ज़्यादा जो थंप हमें मिलेगी अगर मैं पर्सनली आप लोगों को बताऊं तो हमें क्लासिक 350 की जो थंप इससे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उन दोनों बाइक के जो प्राइस डिफरेंस है 35 से 40 हज़ार रुपये का जो डिफरेंस हमें मिल जाएगा ऑन रोड प्राइसेस में, तो इसी मारे बेटर है अपने ऑप्शंस में, ये भी कम नहीं है। आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है बाइक देखने में भी। तो अब बात करते हैं इसके फाइनेंस के बारे में, अगर हम इस बाइक को लोन करवाना चाहते हैं तो क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और कैसे इस बाइक को हम लोन पर ले सकते हैं। आज अपने व्यूज को मैंने बाइक दिखाई है बुलेट 350 ES। अगर हम इस वाली बाइक पर लोन करवाना चाहें फाइनेंस वगैरह इजीली हो जाएगा इस वाली बाइक में? बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। आप अगर इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, पहले आप ये बता दीजिए मैं डॉक्यूमेंट्स का क्या रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की? नॉर्मल डॉक्यूमेंट सर, ओनली आधार कार्ड आपका चाहिए होगा, एक आपका पैन कार्ड चाहिए होगा, आपके बैंक के चेक या फिर आपका डेबिट कार्ड का नंबर जो होता है वो चाहिए होगा, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो, और अगर आपका अपना घर है तो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा। अगर रेंटेड पर्सन है तो? अगर रेंटेड है तो सर उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल की जरूरत नहीं होती, एक KYC डॉक्यूमेंट्स और दे सकते हो जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर DL कुछ भी, या कोर्ट से या हाँ या आप जी रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है जी, तो डाउन पेमेंट बता दीजिए सर, मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी आएगी? सर इसमें जो आपकी मिनिमम डाउन पेमेंट आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इलेक्ट्रा मॉडल देखते हैं तो 15,000 की EMI आ जाएगी। मंथली डाउन पेमेंट जो 15,000 की आपकी डाउन पेमेंट आ जाएगी इसमें। और इसमें आप जो केस करा सकते हो वो 1 साल से लेके 3 साल के बीच में करा सकते हो, 1 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल। सर इसका मिनिमम अगर मैं 15,000 डाउन पेमेंट करके जी अगर मैं इसकी लोन बनवाना चाहूँ तो कितनी EMI जा जाएगी सर मेरी? सर अगर आप 15,000 देकर आप इसमें EMI बनवाएंगे तो इसमें जो आपकी 1 साल की EMI बन जाएगी वो हो जाएगी आपकी 15,845 रुपये की, 12 EMI। ठीक है, और अगर आप 2 साल पे जाते हो तो 2 साल की आपकी 8,672 रुपये की 24 किस्तें 2 साल के लिए। ओके सर, अगर 3 साल में जाते हो तो 6,290 रुपये की आपकी 36 EMI 3 साल के लिए। ठीक है जी सर, इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा सर इसका? इंटरेस्ट रेट सर अलग अलग होता है लोन के रिगार्डिंग होता है आपका, 9 पॉइंट से स्टार्ट होता है, 9.99 से आपका 10.5 10.65 ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि 2-व्हीलर में फ्लैट इंटरेस्ट चलता है, जैसे जैसे आप टेनवर बढ़ाए होंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, आई थिंक गाइस आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, सर ने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, अगर कुछ भी अगर गाइस आप लोगों को इसमें से कुछ रह गया हो तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, आप लोग उसमें से पता कर सकते हैं।